स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों यानी कि झारखंड बोर्ड का क्लास टेंथ के लिए दोस्तों हर एक बच्चा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाएगा, तो आप इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा, आपका जो क्वेश्चंस है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, पहला नंबर में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, दूसरा में कैसा पूछा जाएगा, तीसरा में कैसा पूछा जाएगा, कितना खंड रहेगा और कैसा क्वेश्चंस रहेगा, आज मैं दोस्तों सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और डायरेक्ट दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चंस पेपर जेक बोर्ड क्लास टेंथ यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में रहने वाला है। आप दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आज से क्लास टेंथ का जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो तैयारी शुरू हो रहा है आप इसमें अच्छा परीक्षा फल ला सकें, क्योंकि जो 2023 के जो स्टूडेंट थे उनसे पूछिएगा, अगर आपके आसपास होंगे और इस चैनल से पढ़े होंगे तो उनसे पूछिएगा कि कैसा उनको महसूस हुआ था 2023 जब मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दिए और कितना नंबर आया था और खास करके मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन था, कितना क्वेश्चन जीके टॉप मास्टर से लड़ा था। दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों जो क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, क्वेश्चन आपका जो है मैच हुआ था और कौन कौन हुआ था मैं आपको आज की इस वीडियो में भी बताऊंगा, और ये झूठ नहीं है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर 2023 को मिलाइएगा तो सेम टू सेम पाइएगा कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, और आप एग्ज़ाम से पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम से पहले ये जीके टॉप मास्टर बताए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर 2024 में रहने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज से आपका जो है क्लास टेंथ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा झारखंड बोर्ड के लिए बेहतरीन तैयारी इस चैनल पर शुरू हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि एक को रुपया आपको इस चैनल पर नहीं लिया जाएगा, ठीक है, विदाउट कॉस्ट पे दोस्तों आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा फिगर इसका देख लीजिए, ठीक है, कि इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव आप जानते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप क्लास नाइन्थ में दे चुके हैं, ठीक है, तो क्लास नाइन्थ में दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव का लेवल कैसा होता है, लेकिन सब्जेक्टिव का आपको कोई आइडिया नहीं होगा और ना कोई बताएगा कि कैसा क्वेश्चन रहता है। मैं आपको सारा का सारा रूबरू कराऊंगा एक एक क्वेश्चन से, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का इसका जो आगे का जो है पेज रहता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको पंजीयन संख्या पूछा जाता है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा में पंजीयन वर्ष पूछा जाता है यानी कि रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सारे का सारा आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा, ठीक है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो तब आपको ये सारा का सारा चीज़ आपको मिलेगा और उसी से आपको देख करके भरना है। तीसरा में पूछेगा रोल कोड कितना है, चौथा में पूछेगा कि रोल नंबर आपका कितना है, और पाँचवा में जो आपका पूछेगा कि लिपि आपका क्या है, तो लिपि में ऑब्वियसली सभी का देवनागरी होता है, और तिथि पूछा कि आपका कौन से दिन में मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सारा का सारा आपको जब एडमिट कार्ड आएगा इनकी एडमिट कार्ड तब आपको ये सब पता होगा, ऐसे आपको कुछ जानकारी नहीं होगा। आगे का सेम टू सेम यही पेज रहेगा दोस्तों, 2024 लिखा हुआ, गणित लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ रहेगा, और चलिए रूबरू कराते हैं सारा का सारा क्वेश्चन से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला पेज समाप्त होने के बाद सबसे पहले आपको सेक्शन ए रहेगा, ठीक है, तो सेक्शन ए में कहने का मतलब है कि सेक्शन ए में दोस्तों आपको 7 गो प्रश्न पूछता है, कितना, 7 गो, ठीक है, और जवाब केवल केवल दोस्तों 5 गो का आपको देना पड़ता है, 7 गो में जो भी बढ़िया निकला उसको चुन चान के जवाब दे दीजिए, बाकी 2 गो को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जब 5 गो जवाब दिए तो ये 5 गो क्वेश्चन हुआ दोस्तों, ये प्रत्येक 2 नंबर का होता है, तब 5 गुना 2 दोस्तों आपका हो जाएगा 10, यानी कि जो सेक्शन ए वाला जो सवाल होता है ये 2 गुना 5 नंबर टोटल आपका 10 नंबर का सवाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी दिया है कि निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, टोटल आपको 7 गो प्रश्न पूछेगा, 1 से लेकर 7 तक का जो प्रश्न रहेगा ये सेक्शन ए में गिनती आता है, इसमें से केवल 5 गो का जवाब दीजिएगा, ये 10 नंबर का सवाल आता है। तो पहला प्रश्न में दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का रहता है कि इक्विलिट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
420 और 272 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, अभी तक दोस्तों जो सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है सबसे पहला में यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा में पूछेगा कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन इस पेपर से लड़ा था। ठीक है, ये दोस्तों सेम टू सेम आपका 2023 को उठाए हैं और जो मैं बताया था उसमें उठाए हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि आपका ओरिजिनल मैं बताऊंगा, सबका सब बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी ओरिजिनल बताऊंगा 2023 का और सब्जेक्टिव भी ओरिजिनल बताऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से पहले इसका जो है फंडा रहता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहता है, इसमें सिद्ध करने वाला कितना रहता है, बनाने वाला कितना रहता है, 19 नंबर में कैसे सवाल होता है, 18 नंबर में कैसा होता है, 14 नंबर में कैसा होता है, सेक्शन कितना होता है, कितना कितना का जवाब देना है, कितना कितना स्किप करना। ठीक है, सारा का सारा ए टू जेड जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों आपका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी बराबर बी सी है, तो यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC² हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। टेंशन मत लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन इस चैनल पर आपको अपलोड होगा, अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको उससे हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, फिर बोलता है बिंदुओं 2, 3, 2.3 तथा 4.1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सारा का सारा बताएं दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पाँचवा में पूछेगा कि साइन, ठीक है, यदि साइन आपका जो है 3a बराबर कोस ए माइनस 26 हो तो जहाँ 3 एक न्यूनकोण हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस टाइप से आपको सेक्शन ए में रहेगा। अब सेक्शन बी की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि जो प्रश्न रहेगा 8 से लेकर 14 तक, ठीक है, ये आपका सेक्शन बी में गिनती आता है और इसमें भी टोटल 7 प्रश्न होता है सेक्शन बी में, लेकिन इसमें भी केवल 5 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, 5 प्रश्न का जवाब दीजिएगा, प्रत्येक आपका 3 नंबर का होगा, तब 5 + 3 = 15 नंबर का टोटल और टोटल क्वेश्चन बनता है। साफ साफ लिखा है निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 8 नंबर में दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। सीधा 1 चैप्टर से पूछा है और 1 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है वो 3 नंबर में उसको ढकेल देता है। ठीक है, कितना में? 3 नंबर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार का लेबर रहेगा दोस्तों। एक ग्राफीय विधि से हल करने वाला आएगा, समीकरण इस प्रकार करेगा, बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करें। नेक्स्ट में पूछेगा कि संख्या जो दिया रहेगा एपी से आपका क्वेश्चन रहेगा और इसमें दोस्तों आपको बोलेगा an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, तो 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका nवां पद इसका आपका दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है आपका ये निर्देशांक है जो कि आपका 7 चैप्टर से उठाया गया कि उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जिसका इतना कोमा को जोड़ने वाले रेखाखंड आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। नेक्स्ट 12 नंबर में बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 - cos θ बात है 1 - cos θ, और ये जो आपका दिख रहा है ना ये चैप्टर 8 से है, और देखिएगा लास्ट एक्सरसाइज में आपको सिद्ध करने वाला, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रहेगा, रोमन संख्या में रहेगा और वहाँ से एक प्रश्न आपका टिपका देता है, वो 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सारा चीज़ बताएंगे, मैथ का बुक में आपको टिक मार्क बताएंगे कि यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए वीडियो को और आज से आप तैयारी में शुरू में जुट जाइए, ताकि अगले नेक्स्ट आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 होगा उसमें धाकर एग्जाम का प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट जो आपका जो 14 नंबर, अब देख लीजिए ध्यान से इसको। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपको जो एग्जाम्पल से लिया गया, ठीक है, कहाँ से? एग्जाम्पल से, और सेम टू सेम जो ये क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में 14 नंबर पे यही क्वेश्चन था और ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन था, सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिएगा। कोई भी अगर सब्जेक्टिव एग्जाम दिया था क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2023, उसे पूछेगा ये क्वेश्चन आया था, वो बोलेगा 100% आया था। ठीक है, और ऐसा बता देंगे कि आप जो बिना देख के बिना बनाए इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलेगा दोस्तों 15 नंबर में एंटर करिएगा तो आपको यहाँ पर सेक्शन सी मिलेगा। तो सेक्शन सी में जो मिलता है इसमें टोटल 5 प्रश्न पूछता है। ठीक है, जवाब कितना देना पड़ता है? तो 3 तो 3 का जवाब दीजिएगा और प्रत्येक आपका 5 नंबर का होता है तो ये 15 नंबर दिलाता, सबसे महंगा यही और सेक्शन बी वाला।
लेकिन इनमें किन्हीं तीन प्रश्नों का उत्तर दें। 5 × 3 आपका 15 नंबर का हो गया। और 15 नंबर में दोस्तों हर एक बार यही प्रश्न रहता है द्विघात समीकरण से, जिसका विभिदकर यानी कि डी निकालने बोलेगा। मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा का मान बताना है, अगर इसका मूल्य है तब तो द्विघात समीकरण दे देगा। पहला में पूछेगा विभिदकर ज्ञात कीजिए, मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का A to Z सभी का सभी दोस्तों सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलेगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा एक वर्ग अन्य भुजा दो वर्गों का योग के बराबर है तो पहली भुजा का समूह कोण जो है समकोण होता है आपको बताएं। और प्रमेय ध्यान रखिएगा जो बता रहे, ठीक है। प्रमेय आपका 6.1 इसको देख के जाइएगा, सिद्ध करने वाला दो प्रमेय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बार 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हो गया, चाहे जो भी बताए समझ लीजिए, ठीक है। फिर पेडस्टल से 9 चैप्टर से उठाया गया प्रश्न है। नेक्स्ट आपका बोलेगा 18 नंबर सन्नु के चिन्ह का ऊंचाई, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो 19 नंबर है ये आपका जो लास्ट चैप्टर यानी कि माध्यमाधिक बहुलक से आता है और हर एक बार जो है 19 नंबर में यही रहता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बताए थे ये भी सेम टू सेम 19 नंबर में आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम आपको बता दें कि कैसा क्वेश्चन का लेबर रहेगा। और आप बोलिएगा इस वीडियो में जितना जल्दी कमेंट आएगा, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं उसमें आपको जो हर एक चीज़ में सब्जेक्टिव का तैयारी कराऊंगा, प्लस ऑब्जेक्टिव का और प्लस ऑल सब्जेक्ट का विदाउट फ्री कॉस्ट, यानी कि आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपना राय कमेंट में बताइए कि आपको तैयारी चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बाद हम आपको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।